पहले ही मोबाइल की ट्रेनिंग ली थी सर, जी। नाम आप लेने से इनकार करते हैं तो नाम नहीं लूंगा। तो एक चीज यहाँ बता दूं मैं, पिछले बैच में भी एक लड़का यही इंस्टीट्यूट गया था और यहीं पे बैठ के रिव्यू दिया था लड़का, वही इंस्टीट्यूट से। तो अपन नाम तो नहीं बोल रहे किसी का भी, तो उनका जो था ठीक है। तो ये ट्रेनिंग लेके फिर वापस आए, क्या जरूरत पड़ी? खत्म हो चुकी थी कि मैं चिप लेवल कोई कर सकता है तो सब फ्रॉड है। लेकिन सर यहाँ आने के बाद मैं जो CPU और ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड इतनी आसानी से खोल रहा हूँ सर। सो जैसा कि फ्रेंड्स आज हमारा फेयरवेल है, 27 नवंबर बैच है, जैसा कि आज लास्ट डे है, तो सबसे पहले केक कट कर लेंगे फिर सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है? काटो सब लोग मिलके एक बार, दो दार क्लैप्स काटो। मोहम्मद आसिफ के लिए जोरदार क्लैप्स। साथ आसिफ है, आसिफ कहाँ से है आप? सर मैं यूपी से हूँ। तो आसिफ यूपी से है, आसिफ ये बताओ आप कब से काम कर रहे थे? सर मैं लगभग 7-8 साल से काम कर रहा था जी। जी और मैंने इससे पहले ही मोबाइल की ट्रेनिंग ली थी सर जी। नाम आप लेने से इनकार करते हैं तो नाम नहीं लूंगा। तो एक चीज यहाँ बता दूं मैं, पिछले बैच में भी एक लड़का यही इंस्टीट्यूट गया था और यहीं पे बैठ के रिव्यू दिया था लड़का, वही इंस्टीट्यूट से। तो अपन नाम तो नहीं बोल रहे किसी का भी, तो उनका जो था ठीक है। तो ये ट्रेनिंग लेके फिर वापस आए, क्या जरूरत पड़ गई आपको? सर मेरी बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि मैं चिप लेवल कोई कर सकता है तो सब फ्रॉड है। लेकिन सर यहाँ आने के बाद मैं जो CPU और ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड इतनी आसानी से खोल रहा हूँ सर कि मुझे कोई भी डर नहीं है। ऑन फोन का खोल रहा हूँ, उसे ऑन ही वापस पैक कर रहा हूँ सर, कोई भी डर नहीं है सर। जहाँ मेरा प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व है सर अब। बाकी जब डायग्राम वगैरह पढ़ रहे थे आपने बताया था कि ये सारी चीज़ नहीं बताए वहाँ पे? नहीं सर। तो सर्किट डायग्राम वगैरह कैसा बताया आपको? क्या बहुत अच्छा, बहुत डीप नॉलेज है सर। मैं सबको बोलूंगा, जिसने भाई ने मुझे भेजा है अभिषेक, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने स्टूडेंट है जो यहाँ से सीख के गए थे वही इनको रिफर करके भेजे, और सर उनका भी बहुत शुक्रिया। और मैं बोलूंगा कि जिस पे नहीं कुछ आता, जो कहीं से भी फेलियर होकर आ चुका है वो यहाँ आए। और 3-3 सर का कॉम्बिनेशन, हमारे सर फिरोज सर और हमारे सागर सर और हमारे तौफीक सर, इनका इतना अच्छा कंबाइंड है सर, जितनी तारीफ कर दो उतना कम है। बाकी तो मैं बोल चुका हूँ, बाकी बोलना भी नहीं आ रहा सर, बैठे हैं पास में। अब एक चीज़ ये बताओ आप, जैसा आप पहले वाले इंस्टीट्यूट गए थे वहाँ पे 40-40, 50-50 स्टूडेंट बैठ के हैं जी, और आपके ऐसे काफ़ी सारे बच्चे जा रहे होंगे, और आप तो इतने साल से काम कर रहे थे उसके बाद भी वहाँ पर जाके आने के बाद में वहाँ से कुछ मिला नहीं, तो ऐसे बच्चे जो जाकर वहाँ पे फंस रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको बोलना चाहूँगा मैं सर के हैदराबाद इस आए और फोन फिक्स हैदराबाद में काम सीख सकते हैं, और सब कुछ पॉसिबल है सर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डबल लेकर मैंने खुद का बनाया है, और एक फ़ोन Realme 6 Pro जिसमें UFS है वो भी खुद का ऑन किया है। सर ने CPU बोला था उसका रिबॉल करने के लिए, मैंने रिबॉल किया और वो ओके है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये काफ़ी 7 साल से काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी लिए कहीं से, उसके बाद में भी दिक्कत आ रही थी, और सबसे बड़ी बात उम्मीद छोड़ रहे थे कि काम ही छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि सिखाने वाले ऐसा बताया आपको कि वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको भी लगेगा कि भाई ये नहीं होता काम, छोड़ दो किसी और फील्ड में चले जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक चांस लिए इन्हों, और ये चांस लिए इनके एक फ्रेंड भेजे इनको जो पहले यहाँ पर सीख के गए, तो दोस्त के बात पे सुनकर आए और आकर 20 दिन यहाँ पे गुजारे। अब बताओ जो कॉन्फिडेंट आपका लो हो गया था, जो आप सोच रहे थे कि ये काम हो ही नहीं पाएगा, तो अभी कॉन्फिडेंट कैसा है? सर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त मेरा कॉन्फिडेंस। मैं जाने के बाद काम करूँगा सर, क्योंकि मैं करता था, और अब आने के बाद तो सर मैं बिल्कुल जो मुझसे नहीं हो रहा था वो भी करूंगा, सब कुछ करूंगा सर। अभी डबल डेकर कर लिए, ब्लैक पेस्टेड कर रहे हैं, ऑन फोन निकाल के लगा लिए, कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया होगा अभी। जी सर, सॉफ्टवेयर मेरे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन तो फिक्स सर ने मुझे फिर से सॉफ्टवेयर तुम कर सकते हो, मैं सॉफ्टवेयर के फोन वापस भेज रहा था सर, लेकिन यहाँ तो फिक्स सर ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया। अब एक और चीज है जो आप हैंड स्किल में तो काम कर लिए, डायग्राम वगैरह जो बनाए आप, फेयर नोट्स बहुत अच्छे बनाए जी सर, कहाँ है वो? सर मेरे पास है, मैं मेरे नोट्स उधर रखे हैं। तो जो डायग्राम वगैरह बनाए इनके आप लोग, कैसा बनाए भाई ये डायग्राम वगैरह? सारे लोग बनाए ना? अच्छा, तो पहले ये नहीं बना पाए थे क्योंकि इनको उस तरीके से समझाए नहीं थे। अभी एक और चीज पूछ रहा हूँ आपको, अभी क्या कहीं पे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है क्या आपको? नहीं सर, कहीं ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है सर मुझे, मैं अब आपके पास ही अपडेट होने के लिए आऊंगा, वो भी जब 5G के बाद कोई आता लगा ऐसा। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक पता है जो बच्चे समझदार है, थोड़े होशियार रहते, वो लोग फिर दोबारा कभी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते, क्योंकि आपको वोल्टेज मेजरमेंट चेक करने आ गया,
लाइव डीएसओ से कहां कहां पे चेक करना सारा चीज बता दिए। मेन चीज सर्किट डायग्राम आपको रीड करने आ गया होगा, बिल्कुल सर, है ना, बहुत अच्छी तरह। मेन चीज वही है जो कहीं इंस्टीट्यूट में बताते नहीं आपको कि सर्किट को कैसे रीड करना है, कोई आईसी को कैसे पढ़ना है। जब अब ये सारा चीज आ गया तो दोबारा आप कहीं नहीं जाते, बिल्कुल, है ना। बाकी ये बताओ, सुबह में प्रैक्टिकल क्लास मेरा हो रहा था, मेरा तो बता दिया आप, प्रैक्टिकल में सागर सर कैसा सिखा रहे थे आपको? सागर सर की तो बात अलग ही है सर, सीए सुबह होती थी और जब बाहर निकलते तो रात वही मिलते थी, तो पूरा दिन कैसे जाया था पता भी नहीं चला हमें सर। यहाँ बैठ के कोई टाइम पास तो नहीं करते थे यहाँ वहाँ की बातें? नहीं सर, सागर सर की क्लास में तो टाइम का पता भी नहीं चला सर हमें, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट बताए थे वो वही इंस्टीट्यूट में गए थे, तो दो तीन घंटे काम करके उसके बाद पूरे सारी पर्सनल बातें ही चलती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं करे ना आपने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए अच्छा लगा भाई। बाकी टूल वगैरह सारा दे रहे थे आपको? जी सर सब। कहाँ से बताया आप वैसे? सर यूपी। यूपी से? शामली से सर। तो ये बताओ यहाँ पे रहने की या खाने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि यूपी वाले बच्चे पूछते हैं कि हम हैदराबाद आएंगे तो क्या खाली इडली डोसा ही मिलता है क्या यहाँ पे? नहीं सर, सब कुछ है सर, बिरयानी बिरयानी सब कुछ है, आ सकते हैं। बाकी बिरयानी ये चार मीनार है, लेकिन मेन चीज क्या है, जो काम सीखने आए थे आप, जो सोच के आए थे वो मिला आपको? जी सर। कोई आना चाहे आपके शहर से क्या बोलना चाहोगे? सर बिल्कुल बेझिझक आए और आगे काम सीखे और कामयाबी हासिल करें इधर आकर। चलिए अच्छा लगा आसिफ आपसे बात करके। सॉफ्टवेयर में भी तो अच्छा बना है, मैं खुद इम्प्रेस हुआ सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ नोट्स बहुत फेयर, अच्छा ड्रा के साथ डायग्राम के साथ सारा चीज बना है। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक्स्ट्रा मेहनत है, खाली हैंड स्किल से काम नहीं चलता। तो आसिफ चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत आगे बढ़ो, थैंक यू।